بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لمی تمہید دا ٹائم نہیں تنا لمی تقریر دا ٹائم ہے کوئی گل نہیں یا پھر ملدا ہے تو یا مار مل دے نہ لمی تقریر دا ٹائم رہ گیا تے نہ لمی تمہید دا ٹائم رہ گیا کیونکہ میں دعا کرن واسطے آیا یہ ٹائم بھی دعا دا ہے قاری عبد الرحیم کلیم صاحب دے کولوں تسیں فکری گلاں سنیاں اللہ عمل دی توفیق بخش درس بخاری مدنی صاحب کولوں سنیا اللہ عمل دی توفیق بخش اس مدرسہ نو اللہ قیامت تک آباد رکھے آمین آخلو حضرت مولانا زبیر صاحب مجاہد اللہ صحت والی ایمان والی لمبی عمر کرے میرا آج دا جڑا عنوان ہے وہ ہے شان نبی تھی پھل موسم دا چنگا لگ دے تے گل موقع دی چنگی لگ دی موقع کی ہے ربیع الاول آج ختم نہیں ہویا ربیع الاول بس میں ایک ہی گل کراں گا کہ نبی پاک سونے بڑے آن تے نبی دا دیدار کرنا چس بڑی گئی تو سبحان اللہ بالکل نہیں پڑھنی تے نہ میں سبحان اللہ ہن لینی کیونکہ تسی ہولی ہولی بولنا ہے کوڑے رواں نال چوک چنگی اگر اچھی بول سکتے ہو ہاتھ دوویں کھڑے کر کے آکھو سبحان اللہ بڑی گل ہے میں تو آخیا بھی کام پورا ہو گیا لیکن مینو تو انج لگتا ہے تھوڑی سبحان اللہ تو کہ ساڈے یارہ یا پونے بارہ نہیں یہ وقت اجے تو سات بجے نبی پاک دا دیدار بڑا کمال عمل ہے میں ایک سوال کر لوا جواب دو گے جنت جان دا شوق ہے سب نو مسافر دعا کرے گا رب قبول کرے گا دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ آخو اگر جنت جائے کمال ہوگی کمال ہوگی انہوں شوق بڑا ایک اور میرا سوال ہے جنت جانا کیوں جنت اس واسطے جانا ہے کہ جنت دے اندر سونے دے محل نے سامنے باغ نے ان باغاں دے وچ دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں پانی دیاں نہراں چلدیاں پئیاں میں تاں جنت وجنا چاہنا اے گل بالکل نہیں جنت کیوں جانا چاہندے ہو ایک بندے دا اقدم نبی جتنا قد ہوئے گا 90 فٹ
सत गज सीना चौड़ा होएगा जंती नवाब दा। यूसुफ अलैह सलाम जितना हुसन होएगा दाऊद नबी जैसी जंती बंदे दी आवाज होएगी। अखलाक मुस्तफा जैसा होएगा ते ज़बान भी पाक मुहम्मद दी अरबी होएगी। मैं ता जन्नत वजना चाहना। जन्नत क्यों जाना चाहते हो? लड़ाई कोई नहीं, फसाद कोई नहीं, धोखा कोई नहीं, चोरी कोई नहीं, डकैती कोई नहीं, बदकारी कोई नहीं, हसद कोई नहीं, बुगद कोई नहीं। जन्नत बेमिसाल है। मैं ता जन्नत जाना चाहना। ये गल भी नहीं, इन्हें चुप कराओ। अफसोस भी चुप कराओ इन्होंने। एडे कमले बंदे बचिया बंदा कोई नहीं। जे कोई बच गण दो ट्रैक्टर उसे वह तुम आपस कॉन्फ्रेंस चलाई मैनू सवा सवा के हूँ आपस थोड़ी कॉन्फ्रेंस मुक सी तो मेरी गरीब की समझ उसी कि सू। हाँ जी जन्नत क्यों जाना चाहते हो? कि जन्नत अंदर पाक नबी दा दीदार होएगा। आए जी असल गल आए आए हुण इहदी दलील चाहीदी है। दलील सब से आबा मेरे नबी पाक दे खादिमां। एक सहाबी ने इतनी खिदमत की थी कि मेरे नबी ने फरमाया ओ रबी मैं अल्लाह दा नबी तेरे ते राजी हो गया। किसे ते राजी उस्ताद होवे, किसे ते राजी आलिम होवे, किसे ते राजी खतीब होवे, किसे ते राजी मुहद्दिस होवे, किसे तरह दी इमाम होवे, किसे तरह दी नंबरदार होवे, किसे तरह दी हुकमरान होवे, और भी तेरी क्या शान है तेरे ते मुस्तफा राजी होवे। मेरे नबी ने फरमाया रबी सवाल कर मैं रब को जिमें तू मैं राजी किया है मैं मुहम्मद भी तेनों राजी करना चाहना। किस्मत केडी आई रबी दी, किस्मत केडी प्यारी। प्यारे नबी ने सवाल किया रबी मांग ले जो कुछ लेना ही जल्दी दस। इस जगह से सुभान अल्लाह नहीं मिलनी, चस बड़ी आनी। अगली गल सुन के उच्ची बोल सुभान अल्लाह। हौली हौली तो मैं कायल नहीं यार, ना बोल घोड़े रोमन चुप चंगी है, पढ़ना उच्ची है बस। प्यारे रबी ने क्या सोने नबी जी मेरे नबी ने फरमाया जी ओ रबी जे कुछ लेके देना चाहते हो जन्नत चाहिदी है। सिर्फ जन्नत नहीं चाहिदी जरूर है, पर जन्नत दे नाल नाल मैनू सोने मुहम्मद दा पड़ोस चाहिदा। जो बंदा किसी का पड़ोसी होएगा उनकी मुलाकात से ज्यादा चानस है। सोने जो सोने की कोठी चू जनती बाजार च आ गए
मुस्तफा कर लवागा जदो जन्नत दी कोठी च दाखिल होवांगे मैं मुड़ नबी पाक दा दीदार कर लवां। यानी सहाबा नूं जन्नत जावण दा मकसद आ मुहम्मद पाक दा दीदार। ये दीदार कोई मामूली गल नहीं, जड़ा एक बारी नबी पाक दा दीदार कर लैंदा सी ना हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नम तो बरी हो गया जन्नत च दाखिल हो गया। तुसी आखोगे दलील चाहिदी, सुभान अल्लाह मैनू भी चाहिदी। हाँ हुण दे देना दलील। बुखारी दे अंदर हदीस है एक 90 साल का बुढ़ा बाबा आया आए खुन्ने उधर डिगे हुए अणखी चा के गल करदा सोने नबी जी जी ओ बाबा जान किवें आया है किवें पिछले टाइम आया अल्लाह दा तेरे आवण च लेट है गफूर रहीम अल्लाह दा मेरे मनी वण च कोई लेट नहीं। सुभान अल्लाह अल्लाह नु मना लो जिंदगी थोड़ी रह गई। ओ बाबा दा जी मेरी उम्र बड़ी हो गई है डर प्या लगदा है मैनू कोई वो अमल दसो जेड़े अमल करने मैं जन्नत ला बजाए। अजे भी चंगी गल कर गई। प्यारे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ो उन्हें पढ़ लिया पांच टाइम नमाज़ पढ़ोगे आधा ठीक साल बाद एक महीना रोजे रखोगे आधा ठीक साल बाद ज़कात दोगे आधा ठीक। जिंदगी के अंदर एक बार फर्ज़ी हज कर लोगे आधा ठीक नबी पाक चुप बुढ़ा बाबा बोलिया जन्नत दा शौकीन जन्नत दा शौकीन बोलिया जी नबी जी बस आपने फरमाया बस फरमाया ज्यादा करन दियां ताकतां कोई नहीं घट भी करांगा नहीं पंजे पढ़ांगा कभी जिंदगी चार नहीं पढ़ांगा पंजे पूरियां। कई बंदे बार बाक दे वजन जेड़ा कुरान दी महफिल च दूर जाएगा वह बाकेगा। इत्थे तुहानूं रहमत दे फरिश्तियां ने परां दे विच घेरा पा लिया ते तुसी इंशाल्लाह जिन्ना ते फरिश्ते उतर पवे ना वह बंदे क्यामत तक जन्नत नूं जाणगे ते जिहड़े बाहर होवन ना जिहड़े फरिश्तियां दे परां तों दूर होवन उह फिर बाकदे ही हन। अल्लाह लियावे पर एडी उम्मीद कोई नहीं क्योंकि उन्हां दे पिछे वड्डी बला लगी हुई है। ना सुनिया जे वह नबी पाक नूं आ साडे प्यो नूं कढ के खड़ोता ना उन्हां दे पिछे वह है जिहड़े बाहर बाकदे फिरदे ना। रहमत दा टूबल चलता पे तो नहाने जनी तलब भी है ना पींदे पैन ना नहाते पैन तो ना बाकना ही है ना तो जो चाहिए। सुभान अल्लाह हौली जी बोलो। बाबे और आदर जी बस अखे बस आदर से ज्यादा करांगा नहीं घट करन दी लोड़ नहीं ज्यादा करांगा नहीं क्योंकि ताकत नहीं
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਯਾਦ ਮੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਪੇ ਆਉਂਦੀ ਤੋ ਜੋ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਐਵੇਂ ਵੇਂਹਦੇ ਪਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਉੱਠ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆ ਗਰਦਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਜੰਨਤੀ ਵੇਖਣਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਓਏ ਹਬੀਬਾ ਬਾਤ ਵਾਲੋ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਕਿਉਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਕਿਉਂ, ਹਜ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਕਿਉਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਕਿਉਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਬੋਲਦਨ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਤੀ ਵੇਖਣਾ ਏ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੰਨਤ ਜਾਕਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਨਤੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਉਧਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਖੁਬੈਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਲਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਈਆਂ। ਖੁਬੈਬ ਦਾ ਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਆਦਣ ਅੱਬੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਖੁਬੈਬ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ, ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਲਈਏ, ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦਰਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਘੋੜੇ ਉੱਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਔਰ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਯਾਨੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਣਾਵੀਏ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਫਰੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਬੈਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਮੈਂ, 49 ਕਰੋੜ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 49 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅੱਧਾ ਅਰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ,
मेरा सारा माल खा जाओ, ए मेरिया जायदादा थानू मंजूर, मैं नहीं आन के जायदाद संभालनी, जो मैनू जायदाद मिल गई वो मैनू मंजूर। आंदे तैनू केड़ी जायदाद मिली है? आंदा मैनू दीदारे मुस्तफा मिल गया है, मैनू घोड़े ऊंट चांदियां सोने नहीं चाहिए, 49 करोड़ फिरावां नू दे दिता गया नहीं, जे मैं चला गया तो दीदारे मुस्तफा किवें होएगा। अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयो, दो भाई आए आन मक्के दे अंदर ऊंट वेचण, ये भी गया, ये भी अल्लाह किता गया, जेड़ा हुण दा गया वो क्यामत नहीं आना। मन वैसे आपन भी जाना चाहिए इज्जत ना। चाह भी नहीं पीवाई ना। चाह तो बगैर गला बड़ा परेशान। दुध मोगे सी सारे आप हबीबाबाद तो जेड़े होंगे ना फाडी लोग, फाडी भाई आखरी, या उन्होंने बड़ा कुछ मिल जाता तो या मिलती चाह भी नहीं। सुभान अल्लाह उच्ची बोलो। चंगा है मौलवियों नूं हार नूं नहीं देनी चाहिए, तवज्जो चाहिए तवज्जो। प्यारे भाइयो, मेरे सोने नबी दे दौर दे अंदर एक सहाबी है जिंदा ना ज़ियाद बिन सकन है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे खैमे दा पैरा कौन देवेगा? ज़ियाद खड़ा हो गया है, कमजोर बड़ा है, इंज लगता है जो कपड़े पाँदा सी जिमें पता नहीं किली से कपड़े टंगे खलन अड्डू लिस्सा आसी का माशाल्लाह निग्गर है ना। 14 सदी का मौलवी, हर मौलवी माशाल्लाह निग्गर है। लिस्सा कोई है इंज टुर दे जिमें माशाल्लाह मथिका टुरदा है जेड़ी बाप बाग। क्योंकि दो नेमता वड़िया वड़िया मौलवियों नसीब है, हर रोज पूरी जिंदगी किसी ने गोशत नसीब नहीं। वक्त का बादशाह भी कभी दाल खा रही सी, सानू दाल हराम है, असी जो खाना गोशत ही खा। एक गल, दूई गल, या मज के कट्टे खालस मिलता है तो या मौलवी खालस मिलता दो, जिन्हों मज्जी हैं उन्होंने भी लस्सी मिलती है। अल्लाह अकबर। तो अजय मौलवी आता मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, अल्लाह जड़े तेरी किस्मत कि सही हो रही है। अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयो, ज़ियाद बिन सकन पतला जा जरूर है पर ईमान पतला नहीं, पतला जरूर है ज़ियाद पर उन्दी मुहम्मद पाक नाल जड़ा प्यार है ओ पतला नहीं। साडा प्यार पतला है तां मुहम्मद दी सुन्नत जा रही है गंदे गटारे च। साडा नबी नाल प्यार पतला नहीं ते शलवार गिट्टे तो थले जा रही है ते दाढ़ी मुड्ढू जा रही है, मुच्छा इंज रखिया हुई जिवें सैकल दा हैंडल है, दाड़ी चिट है, नबी ना प्यार पतला है। ज़ियाद बिन सकन दा प्यार बड़ा मजबूत है नबी पाक नाल, पैरा दे रहा पैरा 94 तीर है, थोड़ी गल है इतना प्यार है, आज मजबूत प्यार। साडा प्यार यह है कि अल्लाह के नबी आखिर दाड़ियाँ रख लो, अः मैं हमें तुम उठावा तुम उठी ना एक भी नहीं। सुभान अल्लाह होंगी पी है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सुन्नी भी आता माशाल्लाह माशाल्लाह, भाभी भी आता माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई वोट ही बली इस पाना जे कि नबी पाक न, भाबियाँ सिर च ठंडा पानी गड़ेदा तो सुनिया सिर दिमाग पर क्या मुहब्बत। प्यार मजबूत कर, ज़ियाद दा जिस्म पतला जरूर सी पर प्यार पतला नहीं सी। 94 तीर लगे
ज़ियाद चीख मारी तो गिरया, नबी पाक बाहर आ गए, उनके गर्दन अपने सीने नाल ला लिया, वखी पट्टी खला, नबी पाक ने अखां हाथ रखिया, आंदा सोने नबी जी मेरिया अखां ते बंद ना करो, मैनू जद रब पुछेगा ओ ज़ियाद तू की अमल करके आया मेरे पास, कोई आखेगा मैं कुरान पढ़दा पढ़दा आ गया, हदीसा पढ़दा पढ़दा आ गया, कोई आखेगा मैं कुरान सुनांदा सुनांदा आ गया, कोई आखेगा मैं दाढ़ी मुनांदा मुनांदा खैर नाल आ गया, मैनू 30 साल मिले हैं जवानी दे, मैं सारी उम्र दाढ़ी मुनाई है ते मारन कूड़ ए मारदा मारदा अल्लाह मैं आ गया, जन्नत देनी तो दे जा मेरे को आए सही। हुण दसो एक बंदा आखेगा अल्लाह जद मैं तेरे को आया उस वेले तेरे हबीबुल्ला दे चेहरे दा दीदार करदा करदा ही आ गया, एक बारी नबी दा दीदार 70 साल दी इबादत तो अफजल है, एक बारी दीदार नबी दा 70 साल दी इबादत तू, मैं सोने नबी दा दीदार करदा करदा अल्लाह तेरे कोल आ गया, अल्लाह किड़ा राजी होएगा, ए पानी है जा नहीं है, मैं दूध पिवावा मैं दूध पिवावा तुम पानी पिलाओ, बेइंसाफी केडीए उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, असी मुड़ भी राजी, असी सब कुछ जो करते रहो ठीक, मैं फिर भी राजी, तो जो चाहिदी है ज़ियाद जो दुनिया तो गया नबी दा चेहरा वेंदे वेंदे चले गया, क़यामत दे दिन ज़ियाद बन सकन उठेगा सामने नबी पाक होणगे, चेहरा वेंदा वेंदे रब कोल चला जाएगा। अगर आज नबी दा दीदार करना चाहना है चाहना है, दसा गौर सुनो, जड़ा बंदा दरूद पढ़दा है, दरूद पढ़ो जरूर पढ़ो, मसनून पढ़ो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो, 1000 मरतबा एक दिन में, उतना चिर तेनों मात नहीं आएगी जितना चिर ख्वाब दे अंदर दीदारे मुस्तफा नहीं होएगा, ओ जड़ा ख्वाब दीदार है ओ तेनु जन्नत दी गारंटी है, जिन्हों नबी ख्वाब मिल गया दीदार ते हो ही गया ना नबी पादा, भावे ख्वाब में होया ये जन्नत में लाजमी जाएगा, इतनी शान है दीदारे मुस्तफा में। एक बच्चा गुम हो गया जिंदा नाम जैद सी, 9 महीने तो बाद प्यो नु मिलया, ते प्यो आंदा सोने नबी जी मेरे कोलो सोने दे सिक्के लै लो चांदी से सिक्के लै लो मैनू दे दो जैद, प्यारा नबी सोना नबी उच्चा नबी आला नबी अरफा नबी अजीम नबी करीम नबी खुलके अजीम नबी प्यारा नबी के ना सोना बोलिया बल्कि की बोले मोती रोले, मेरा नबी आंदा मैं पैसा एक भी नहीं लेना ते बेटा तेरा कब्जा भी नहीं करना, आओ एक नंबर कमरे चला जा जैद आ जाएगा मैं उथे बवांगा भी नहीं, क्यों हो सकता मेरे अदब तेरे ना ना जाए, मैं जावांगा भी नहीं, उन्हों मनाना तेरा कम है तेरे नाल बगैर पैसों तो टुरना मुहम्मद पाक दा कम है,
बाबा दे तो चुटकी लगनी है चुटकी, क्योंकि मैनू 9 महीने हो गए उदास होए नू, मेरा बाल भी तेवें उदास होएगा प्यो ते, जदों सुनेगा प्यो नू चीखा मार मार के मेरे सीने ना लग जाएगा। ओ प्यारे ओ, जदों जैद नू खबर मिली तो जैद चीख नी मारी, हौली हौली जांदा और वेखूं बार बार नबी पाक नू वेंदा जांदा है, पता नहीं मैनू नबी पाक प्यो न टोरू तो नहीं। बैठे रहो बिस्तरे दे देने, बैठे रहो सुभान अल्लाह कोई नहीं, क्योंकि 12 बजन तो बाद दिमाग दे भी 12 बजन दन। सुभान अल्लाह बड़ी गल है, इतने अजे नहीं बजे, चलो उच्ची बोलो ना फिर सुभान। अच्छा जैद बार बार मेरे नबी का दीदार करता थे, अपने अबू ले जा रहा है, अबू नाल मुलाकात हुई, मुआनका होया, जफ्फी हुई, बह गए, प्यार मोहब्बत होंदी रही। अबे टेल लाया मेरे नाल चला जा, जैद आंदा नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, आखे अम्मी मिल जाएगी, भैणा मिल जाणगियां, बिरा मिल जाणगे, बिरादरी मिल जाएगी, मेरी सरदारी भी मिल जाएगी, अबू जान तुम ही मिल जाएगा, चाचा मिल जाएगा, सारी कौम मिल जाएगी, पर जाना क्यों नहीं, मैनू ते पाक नबी दा दीदार नहीं होएगा। उच्ची बोलो तुसी भी जिंदाबाद। इस टाइम कौन किसी को जवाब देता, मैं तो थोड़े मुँह च सही गल मेरे को होंगे ना लड्डू, तो मैं एक एक इस मौके पर कौन किसी को सुभाष।